और सीधे लिए चलते हैं लखनऊ समाजवादी पार्टी के कार्यालय, जहां पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कुछ कह रहे हैं। शुरुआत में जो एक स्टूडेंट ने जो कहानी सुनाई, एक लकड़ी को लेकर के कहानी सुनाई कि किस तरीके से अगर लकड़ी को अलग अलग कर लोगे और अलग अलग कर करके तोड़ना चाहोगे तो कितना आसान होगा तोड़ना, और वहीं सब लकड़ी इकट्ठी हो और एक साथ अगर तोड़नी पड़ जाए तो शायद हम उसको तोड़ नहीं सकते। इसलिए हम साथियों को याद रखना चाहिए, समाजवादी साथियों को, समाज में ऐसी ताकतें घुस गई हैं जाने कहां से, कभी जात पे तोड़ रही हैं, कभी धर्म पे तोड़ने का काम कर रही हैं। इन ताकतों से हमें सावधान रहना पड़ेगा और खासकर नौजवानों को ऐसी ताकतों को जवाब देना पड़ेगा। अगर आप जवाब नहीं देंगे तो शायद ये हमारे समाज को और देश को तोड़ने का काम करेंगे। और जहां तक सवाल नौजवानों का, शिक्षा अच्छी हो, नौकरी रोजगार मिल जाए, हर नौजवान का एक सपना होता है, वो सपना कैसे पूरा हो, जो मंच पर हैं और जो सामने हैं, मैं ये कह सकता हूं हमारे आपके बीच में कम से कम 20 साल से ज्यादा का फासला है। यहां जो मंच पे हैं कभी आपकी तरह यहां बैठे थे और वही यहां पहुंच गए। मैं एक बात जरूर कहूंगा कि इतनी युवा पार्टी किसी पार्टी के पास नहीं है जितने युवा समाजवादी पार्टी के पास है। अगर हम सदन में भी देखें तो शायद ही किसी दल पे इतने सदन में नौजवान एमएलसी होंगे जितने समाजवादी पार्टी के पास। और हमने तो चुनाव में जो साथी हमें दिख गया कि हाँ ये लड़ सकता है, क्षेत्र में काम किया है, क्षेत्र में सेवा की है इसने, तो हमने उसे मौका भी दिया और क्षेत्र में लड़ने का उसको पूरा का पूरा मौका समाजवादी पार्टी ने देकर के दिखाया। जहां तक नौजवानों को बढ़ाने की बात है, आगे लाने की बात है, शायद समाजवादी पार्टी कभी पीछे नहीं रही होगी। और क्योंकि हमारी पार्टी संगठन की पार्टी तो है ही है, लेकिन आम लोगों के जुड़े हुए लोगों की भी पार्टी है। कभी कभी संगठन में जो अनुशासन होना चाहिए वो नहीं दिखता, क्योंकि हमारी पार्टी आम पार्टी है, लोगों की पार्टी है, जन पार्टी है, तो कभी कभी नहीं दिखता। लेकिन जिनसे हम लोगों को मुकाबला करना है वो संगठन में और झूठा प्रचार करने में बहुत कामयाब है। वो लोग शायद आपकी उम्र के हम लोग रहे होंगे तो हाथों में मोबाइल नहीं था किसी के पास, ये टेक्नोलॉजी बहुत नई है और नई पीढ़ी का जो रिश्ता नई टेक्नोलॉजी से है वो बहुत गहरा हो गया है। ये इतना गहरा होता चला जा रहा है कि बिना इसके चल नहीं पा रहे हैं। और शायद सूचना का जो माध्यम था एक समय पर सीमित था, हमें अपना परिचय देने में, हमारे जितने नेतृत्व के लोग हैं इनको परिचय देने में न जाने कितना समय लगता होगा, लेकिन आज वो समय नहीं है। अच्छी बात हो तो शायद आम लोगों तक पहुंचने में समय लग जाए, लेकिन कोई बात ऐसी वैसी हो तो न जाने कितनी जल्दी लोगों तक पहुंच जाती है। अभी धोखा देने के लिए याद होगा आपको, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अयोध्या में भगवान राम, लक्ष्मण और सीता को लेकर के आए, सरकारी हेलीकॉप्टर को पुष्पक विमान बना दिया। आपने देखा होगा कि किस तरीके से सरकारी हेलीकॉप्टर उसको पुष्पक विमान बना दिया, भगवान राम, लक्ष्मण, सीता सबको लेकर के आए, लेकिन बाद में किस तरीके से मोबाइल पर सीता की तस्वीर चली है वो शायद आप और हम लोग बेहतर समझते हैं। हमने तो नहीं देखा, शायद आपके मोबाइल पे आई हो तस्वीर, कोई नौजवान नहीं बचा होगा। तो सोचो कैसा समय है कि कोई भी इंफॉर्मेशन आज कोई छिपा नहीं सकता। ये दौर कभी कभी बहुत ट्रांसपेरेंट है। यहां नौजवान है, कहो कि अगर वो सिग्नल मिल रहे हो तो यहां से ही लाइव कर दे रहे हो, इतना आसान हो गया है टेक्नोलॉजी का। लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ रिश्ता कैसा हो ये हमें आपको सोचना पड़ेगा। और
कहीं ना कहीं हमको आपको समझदार भी बनना पड़ेगा। अभी अमेरिका के राष्ट्रपति आए थे दिल्ली में, जब उनसे एक सवाल पूछा गया और उनसे सवाल ये पूछा गया कि ये जो नई टेक्नोलॉजी है सोशल मीडिया में, जो नई चीजें आ रही हैं, इसका क्या मतलब है लोगों के बीच में। उन्होंने कहा कि लोग देखते ही फैसला ले लेते हैं, देखते ही साइकोलॉजी बदल लेते हैं अपना। कोई तस्वीर देखी, कोई खबर पढ़ी, कोई जानकारी मिली, उसी में तय कर लेते हैं, और ये जरूरी नहीं कि वो बात सच हो। इसलिए हम नौजवानों से कहना चाहते हैं, जहां अगर टेक्नोलॉजी हाथ में है तो उसका बेहतर इस्तेमाल क्या हो, अच्छा इस्तेमाल क्या हो वो करना चाहिए। जहां अच्छाई है उसके साथ तो बुराई भी उसके साथ। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि अपने नौजवान अच्छाई के साथ रहेंगे, बुराई के साथ नहीं दिखाई देंगे। और ये जो घटनाक्रम देश में हो रहा है उन पे भी नजर हमें और आपको रखनी पड़ेगी। हमारे नौजवानों ने कहा कि चुनाव शासन का था और अन्याय पुलिस कर रही थी। चुनाव छात्र नौजवानों का था, लेकिन जिन लोगों को डर था कि हार जाएंगे उन्होंने प्रशासन को आगे कर दिया। अभी वो नौजवान जो मिर्जापुर का हैदर, वो कह रहा कि हम अगर नहीं साहस करते और नहीं हिम्मत जुटाते तो शायद हमारे साथ न जाने कैसा धोखा हो जाता, और धोखा हो जाता। लेकिन अभी भी प्रशासन और बीजेपी के लोग नहीं मान रहे, उसको धमकी अभी भी दे रहे हैं। तो सोचो कैसा समय है। ये तो छात्रों का अपना चुनाव है, लेकिन प्रशासन सरकार सब लगी है। ये इलाहाबाद वाले जानते होंगे बेहतर कि इलाहाबाद का चुनाव समाजवादी लोग न जीत जाए, और ये जितने छात्र नौजवान जीत करके आए हैं ये जानते होंगे कि आपको हराने के लिए क्या नहीं किया गया होगा। पूरी शक्ति ताकत लगा दी। एक तो यहां नौजवान मेरठ का आया, मिला दो वोट से ही हारा, जेल भेज दिया, लोगों पे झूठे मुकदमे लगा दिए। इसलिए